हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर आई हैं कोलकाता से देवोश्मिता। वो देवोश्मिता जिनकी गायकी में बहुत दर्द है, लेकिन आखिर क्यों? देवोश्मिता की वजह से निकले हिमेश रेशमिया के आंसू। क्या है पूरी खबर? चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के मंच पर देवोश्मिता ने गाना गाया, जाने क्या बात है नींद नहीं आती। देवोश्मिता कोलकाता से आई है, लेकिन देवोश्मिता की रियल लाइफ स्टोरी सुनकर तो पूरी तरह से टूट गए हिमेश रेशमिया। आंसू निकलने लगे हिमेश के, क्योंकि देवोश्मिता के पापा ने बताया उनकी जिंदगी का असली दर्द। देवोश्मिता के पापा कमा नहीं पाते हैं, वो फिजिकली फिट नहीं हैं, जिसकी वजह से देवोश्मिता को अपने पापा का ख्याल रखना पड़ता है। देवोश्मिता को ही पैसे कमाने पड़ते हैं। जैसे ही देवोश्मिता की ये कहानी सुनी हिमेश ने, हिमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। देवोश्मिता के पापा भी रो रहे थे, देवोश्मिता भी इमोशनल हो गई थी। हम आपको बता दें कि देवोश्मिता इंडियन आइडल सीजन 13 के थिएटर राउंड में पहुंच चुकी हैं और टॉप 14 में अपनी जगह बना चुकी हैं, लेकिन हिमेश के इस जेस्चर को देखकर हर कोई भावुक हो गया। दोस्तों, आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।